Hey guys, welcome back to my channel वर्षिका है। तो आज हम पेंट करने वाले हैं एक वॉश, जिसे आप पेन स्टैंड या फिर फ्लावर वॉश की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सपोर्ट को किया है, आप चाहे तो बड़े आपके घर में अगर कोई गमला है आप उसे भी पेंट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन गाइस। अब हम इस आम से पॉट को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाने वाले हैं। और गाइस आपको पता है इसे सजाने के लिए चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 मटेरियल्स। पहला मटेरियल है पेंसिल, दूसरा मटेरियल है ये पेंट ब्रश। पेंट करने के लिए तो पेंट ब्रश चाहिए ही चाहिए। और गाइस हमारा तीसरा मटेरियल है ये पोस्टर कलर्स। गाइस हमें यहाँ पोस्टर कलर्स ले रहे, आप चाहे तो फैब्रिक कलर, एक्रेलिक पेंट, वाटर कलर ट्यूब्स या फिर आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। मेरे पास पोस्टर कलर अवेलेबल था तो मैं यहाँ पोस्टर कलर्स ले रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस मैं शुरू करने से पहले आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप पेंट करने से पहले इसे 24 आवर पानी में सोख करके रखें या फिर 1 to 2 आवर सोख करके रखें, या फिर अगर आप बहुत हरी में तो इसे अच्छे से धो लें पेंट करने से पहले, वरना इसके ऊपर बिल्कुल भी पेंट नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस हम यहाँ सबसे पहले वाइट कलर करेंगे विच इज़ आवर बेस कलर। और मैं यहाँ वाटर कलर से इस्तेमाल करी क्योंकि मेरा पोस्टर कलर का वाइट कलर खत्म हो गया था। और ये गाइस मुझे सिर्फ इतने सारे कलर्स और ये पेंट ब्रश सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ में मिला और ये बहुत ही किफ़ायती है। सो गाइस मैंने इस पर पूरा वाइट कलर कर दिया। और गाइस मैंने नीचे वाइट कलर नहीं किया क्योंकि नीचे का पार्ट दिखेगा नहीं। और गाइस ये हमारा बेस कलर है, इस वजह से मैंने इसे बहुत ही लाइटली किया है क्योंकि ये हमारा कलर दिखेगा नहीं, क्योंकि हम इस पर और भी कलर्स अप्लाई करेंगे। और गाइस मैंने इसे सिर्फ आउटर कॉर्नर्स तक ही किया, आप चाहे तो अंदर तक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ आउटर कॉर्नर्स तक किया क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ डिज़ाइंस बनाने हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट कलर है येलो। येलो के हम 2 कोट्स अप्लाई करेंगे। तो गाइस आप जैसा कि नीचे देख सकते हैं हमने वहाँ पे बेस कलर अप्लाई नहीं किया था, इस वजह से वो अच्छा नहीं दिख रहा था। हमारे बेस कलर का बहुत फ़ायदा हुआ। गाइस अब ये ड्राई भी हो गया और हमने इस पर 2 कोट्स अप्लाई भी कर दिया। अब हम इस पर कुछ इमोजीज ड्रॉ करेंगे। सो गाइस अब मैं इस इमोजी के आई में रेड कलर करूँ क्योंकि ये एक हार्ट है और इसे मैं जादू से पूरा कंप्लीट कर दूंगी। सो ये देखिए गाइस हमारा आइस कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके माउथ में अभी ब्लैक कलर नहीं करूँगी वरना वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। अभी मुझे एक और इमोजी ड्रॉ करना है, सो उसे भी मैं ब्लैक कलर से ही पेंट करूँगी। तो उसके बाद मैं उसके माउथ को भी ब्लैक कलर से पेंट कर दूँगी। तो गाइस अब हम इस इमोजी को टोटली ब्लैक कलर से कर देंगे। और गाइस हमारा जो लास्ट इमोजी था उसका माउथ भी हमारा बचा हुआ था तो हम उस पर भी ब्लैक कलर भर देंगे। सो ये देखिए गाइस हमने आगे पीछे दोनों जगह कलर कर लिया। अब मुझे ये वाला स्पेस थोड़ा सा खाली सा लग रहा है तो हम यहाँ भी एक इमोजी ड्रॉ कर लेंगे। ये इमोजी भी थोड़ा सा फनी सा होगा। सो गाइस अब हम इस इमोजी को टोटली ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। ये देखिए गाइस हमारा पॉट रेडी हो गया है। अब आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप मेरी तरह से स्टोन से भी सजा सकते हैं। मैंने इसे कुछ ग्लूगन के डॉट्स और स्टोन से सजाया है। अब आप इसे शोपीस की तरह भी रख सकते हैं, फ्लावर वास की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेरी तरह पेन स्टैंड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ऐसे म्यूजिक वीडियोस मेरे चैनल पर अक्सर आती रहती है। और अगर आपको और भी वॉश पेंटिंग्स चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा। और हाँ गाइस अभी वीडियोस आने में थोड़ी सी लेट हो रही है क्योंकि कंटेंट सोचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो आप कंटेंट भी नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किस थीम के ऊपर होना चाहिए। सो तब तक के लिए टेक केयर।